नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। अभी हम पहुंचे हैं भोपाल, पीछे खड़ी है हमारी कैंपरवैन और आज हम यहां से निकलने वाले हैं बुधनी के लिए, जहां पर सभी लोग मिलने वाले हैं। सो आज सबसे पहला काम जो हो रहा है वो है कि हमारी कैंपरवैन जो हो रही है उसकी सज्जा थोड़ी सी, उसकी खूबसूरती और बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारे जो मामा जी हैं वो इस पर कुछ ना कुछ, मतलब मामा जी इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो तो अब जब आप देखेंगे मतलब इनकी कला को तो खुद ही बेहतर जज कर पाएंगे। फिलहाल बस वो कुछ सोच रहे हैं और इस पर कुछ करने वाले, अब क्या करेंगे ये तो आपको इस ब्लॉग में आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। तो बस हमारी कैंपर वैन पे नाम की कमी थी, सो कारवां भारत लिख गया है और इतने खूबसूरत ढंग से लिखा गया है कि बस क्या कहें। सो ये भी देखिए बहुत सारी पंक्तियाँ मामा जी ने लिखी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, पूरा दिखाऊंगा मैं एक बार आपको। तो बस ये काम पूरा हो जाए बस और फिर यहाँ से निकलते हैं जल्द ही बुधनी। सो चलिए जी, वी आर ऑल सेट, हम रेडी हैं एकदम, हमारा कैंपर रेडी है, बहुत ही खूबसूरत सज चुका है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां लिखी जा चुकी है। एक एक पंक्ति मैं बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा, पर फिलहाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। सो वी आर ऑल सेट और हमारी मामी जी, हमारा, हमारे जो छोटे से भांजे हैं वो भी चल रहे हैं हमारे साथ और हमारा मार्गदर्शन आज करने वाले हैं प्रिंस भाई। मिलवाए अभी तो प्रिंस भाई चलने वाले हैं आगे आगे और हम जाने वाले हैं पीछे पीछे। तो चलिए सर एकदम रेडी। ओके डन प्लीज। तो चलिए जी, हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं एक रास्ते में, तो उनसे मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये लेना कैमरा। अरे क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। मैं मजे आपका देख रहा था मैं, देन आई रियलाइज कि आप भोपाल होते हुए निकलोगे। करेक्ट, क्योंकि जो रूट आपने बताया था जी, तो मैं यही, मुझे ये था। और चांस की बात है, जहाँ आप रुके ना जी, आई यूज्ड टू स्टे देयर। मैं देखा कुला रोड पे सागर इंग्लिश में थे ना, हाँ। पहले वही रहते थे, अरे चौकीदार तो देखा, तो वही रह रहे और फिर आई थॉट कि अब कल का हो गया होगा, आप सुबह निकल गए होंगे। जी, जी, जी। तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे थे एंड देन उस साइड जा रहे थे, अरे ये तो वही गाड़ी, पापा ने बोला नहीं नहीं ये वो नहीं है, बोला अरे नहीं भाई मैंने पीछे आदमी लिखा हुआ देखा है। तो मैं आपको फॉलो करते हुए आइए साथ में भाई, इसको देखते हैं भाई, आइए आइए, मजा आता है। अच्छा लगा मिलके, मतलब आपने बहुत अच्छा किया रोक के हम लोगों से मिले, इसीलिए मैंने उसकी इतनी इच्छा थी ना आपको टाइम दीजिए। छोटा सा तो है, अब क्या ये बहुत छोटा है बच्चा, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। इससे छोटे बच्चे के साथ परिवार ने पार्टिसिपेट किया, मतलब नाइट होल्ड लेकर पार्टिसिपेट किया पूरी फैमिली, नॉट ओनली कि हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ उनके साथ, ससुर, इतना बट्टा, एक डॉग। अरे वाह,
वो जो थे अपने वो है शाश्वत है, सौरभ है शाश्वत है, हाँ वो ना महीने भर की बच्ची हमने बिगाड़ा ऐसे पूरा बिगाड़ेंगे हम आगे भी नहीं छोड़ेंगे चलिए ठीक है सर मिलेंगे ओके ओके ठीक है अंकल जी So, अभी हम भोपाल से निकल के लगभग 31 किलोमीटर बाहर आए हैं। होशंगाबाद रोड पे एक जगह है, वहां पर हम सब लोग मिलने वाले हैं, मतलब विक्रम जी और उनके साथ तीन गाड़ियां और हैं, वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। हमें वहाँ पहुँचना है, कुछ और लोग वहाँ आएंगे, तो ये एक मीटिंग पॉइंट होने वाला है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं आप जैसे ही, उनका एक ढाबा है, वहाँ पर मिलेंगे और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर विक्रम जी वगैरह सब ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, सो मुझसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो सात्विक और इनके अंदर है उन सब से मिलने का। सो चलिए बस नीचे उतरते हैं और गाड़ी को पार्क करते हैं। उधर ही साइड कर लो, ये उधर कहां उस जीप के उधर। मेरे को दो दिन बाद वो वीडियो मिला, मैंने तुरंत लगाया। जी 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 आइए, वो लोग तो खाना खा रहे हैं, मक्के की रोटी सब्जों का जाके लोगों को जो भी खाना खा ले, नहीं तो फिर अपन चाय और नाश्ता कर रहे हैं। बस आइए तो चलिए देखिए कारवां भारत का कारवां चलने के लिए तैयार है, मतलब कारवां भारत का तो क्या कहेंगे सर इंडिया हो लैंड्स का सो सॉरी। और सब लोग आ चुके हैं, ये एक मीटिंग पॉइंट हमने तय किया था जहां पर सब असेंबल हो चुके हैं और बस सर आगे बढ़ने के लिए शुरू करते हैं। तो विक्रम जी सर आप लीड करेंगे तो हम लास्ट आ रहे हैं। अच्छा व्हाइट वाला रुक जाओ नहीं ये फ्लैग ऑफ है तो जैन साहब दे रहे हैं फ्लैग ऑफ और निकलते हैं सर। बिल्कुल सर ठीक है सर ओके मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक डाइवर्जन है सो सामने एक बार दिखाइए, ये देखिए यहाँ से बस डाइवर्ट होके हम लेफ्ट जा रहे हैं और लेफ्ट में पड़ने वाला है पुतनी। और ये पूरी रोड इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, मतलब दिखाई देता था कि एकदम अच्छे नज़ारों के बीच में, जंगल के बीच में, फॉरेस्ट के बीच में हम जाने वाले हैं। सो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ऐसा अभी से लग रहा है, और पहुँच के तो क्या ही होने वाला है, ये तो बस हम भी पहुँचेंगे तो आपको भी बताएंगे। डिश है जो बनाई जाती है, मतलब मक्के की रोटी को इन पत्तों के बीच में रख के सेका जाता है, और मुझे एकदम देखते ही वहाँ की याद आ गई। पर यार रास्ता जो यहाँ का है ना बहुत ही खूबसूरत है वाकई। सो मुझे लगता है कि हम ऑलमोस्ट बुधनी एंटर कर चुके हैं, शायद ये बुधनी का ही मार्केट होना चाहिए, और बस कुछ ही देर में वहाँ पर हमें मिलने वाले हैं डॉक्टर अनुपम। सो आज तो उन्हीं के होटल की एक पार्किंग है जहाँ पर सब लोग रुकेंगे, मतलब होटल की पार्किंग में जो एकोमोडेट होना चाहेंगे वो वहाँ पर, और जो मुझे लगता है कि ओवरलैंडिंग मोड पर रुकना चाहते हैं उनके लिए वो भी ऑप्शन है। सो एनीवेज देखते हैं, मतलब
क्या कर सकते हैं वहाँ पर, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो करने की कोशिश करेंगे और पहुँचते हैं बस थोड़ा सा आगे। आपको देख के तो पूरा ऐसा फील आ रहा है जैसे अब हम बारात के घर में और आपको देख कर कैसा लग रहा है, दूल्हा भी नहीं जवान है। हेलो, मजा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। भैया हैं हमारे सचिन भाई। तो देखिए मतलब पूरा 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 फील देंगे आप बराती होगा। क्या है, बारात भी घर की, जाना भी घर में और जनवासा भी घर का, देख लीजिए मतलब। चलिए जी, तिलक लगा के बरातियों का स्वागत किया जा रहा है। सर तो विवाह संपन्न करा ही दें किसी ना किसी का। इससे अच्छा दूल्हा दुल्हन को मिलना नहीं। और हनीमून को जंगल में भेज दो। नहीं मतलब फिर सात्विक अपनी को क्या बोले अब हम। नहीं नहीं, एक चीज और बताऊं, हनीमून पे आदमी अकेले जाता है, आप तो पूरी बारात भी लेके जाते हो, वो भी जंगल में। वाह वाह वाह, जंगल में मंगल, आनंदम आनंदम। चलिए जी, बहुत ही अच्छा। आपको आता है ना, इस फुटेज का कुछ होगा नहीं, यही फुटेज को दिखा लो, ये दोनों हैं। लोग पूछ के रह जाते विक्रम जी का फुटेज कहाँ डल रहा है वो। जय हो, जय हो, जय हो। वाह वाह वाह, भाभी जी नमस्कार। आप लोग तो एकदम एकदम बारात वाला फील आ गया हमें आपसे मिलके। भैया ऐसे ऐसे आप लोग एकदम वेल ड्रेस्ड अप। आंटी के वेलकम के लिए, आंटी के लिए। और आप तो एकदम हल्दी वाले प्रोग्राम के लिए तैयार हैं दोनों। भाभी आप कैसे। तो ये देखिए हमारे इंदौर के साथी मंटी भैया, मोस्ट वेलकम सर। वाह वाह वाह, एकदम प्रॉपर ओवरलैंडर व्हीकल लग रही है आपकी साइकिल वाइकिल टांग के। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुशील भैया बहुत कुछ सीखना चाह रहे हैं। और ये सारी बातें आदि के सामने बेटे के सामने बोल रहा है। बेटा तू तैयार है ना, मैं कभी भी निकल लूंगा। बोले बस मुझे ऐसी खत गाड़ी सपड़ा दे। और बेटा भी मन ही मन सोच रहा, पापा आप बता दो काम तो मेरे फिर मैं बता दो कि जेके ट्रेडर्स में बैठेगा कौन। पापा बोल रहे हैं राजा बेटा कहाँ है, बोले राजा बेटा गाड़ी लेके गया। अब पापा मैं जा रहे मन महसूस के मुझे नीचे करके दुकान मुझे बैठना, कभी जिंदगी में बैठा नहीं का बैठा। तुम्हारी तरफ भी कर लो कैमरा, तुम्हारी तरफ भी कर लो बेटा। ये राजा बेटा तुम्हारी गाड़ी दिखाती चाहिए ताकि तुम ही हो राजा बेटा, ये सब करोगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा भैया, अब इसके बाद में जैसे ये जो अपना ये बनने क्या बना लिया, ये वाला, ये देखिए इसमें है हमारी वॉशिंग मशीन जी। ये हमें मतलब कैंपिंग में बहुत ही जरूरी चीज थी। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने यहाँ पर लेकर आए अपनी नीचे मशीन। अच्छा है ना, और ऊपर हमने इसको वार्डरोब बना दिया। तो क्या होता है, इस मशीन को जब हमें ऑपरेट करना होता है तो केवल यहाँ तक का ये जो छोटा मोटा सामान रखा हो वो निकाल देते और वो निकाल के इसको ऑपरेट करते। पानी पानी वाटर टैंक पीछे दिया हुआ, ड्रेनेज सब कुछ दिया हुआ। ड्रेनेज नीचे है, मतलब एग्जिट नीचे है उसका रिंस का, और इनपुट पीछे से दे रखा है हमने। और वॉशरूम का अपना क्या रहे, वॉशरूम इसमें बहुत ही अच्छा है। अच्छा मतलब स्पेस वाइज लग्जरी अपन नहीं बोल रहे। ये वॉशरूम तो बड़ा है, स्पेस खूब है। सफिशिएंट है, सफिशिएंट स्पेस है ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत। हाँ। इसमें एक प्रेशर पंप लगा रखा है, सो उससे मैंने प्रेशर जनरेट होता है बहुत। ये हमारा
सर, वॉशरूम है ना। किचन को अभी हम करेंगे जैसे ये बंद तो गया है, अब ये सिंक वाला पूरा सेगमेंट, पर इसको अभी यूज हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वाटर इनलेट अभी बहुत प्रॉपर नहीं है। पापा जितना भी अरेंजमेंट है उसमें ट्रैवलिंग का काम चल जा रहा है अभी इस ट्रिप में, इस ट्रिप में चल जाएगा। फिर जैसे अब ये मॉड्यूलर होंगी पूरी, तो ये मॉड्यूलर हो जाएंगी तो थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी जो हम बोल रहे हैं ना कि व्यवस्थित नियोजन की ओर हम धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो उस प्रकार से अब क्या है, आपने ना वो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस से उसको कर दिया बेसिकली, वो चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, इम्प्लीमेंट हो गई। और दूसरा एक अच्छी चीज ये है कि आगे आपको इसमें फिर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अपने को पता है कि कहाँ पे क्या चीज करनी है। और मैं बोलता हूँ ये एक मनोस्थिति है ना, आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको लगा नहीं यार जगह कम पड़ रही है तो कम ही पड़ती रहेगी कितनी भी बड़ी हो जाए। सही कह रहे हैं, कितनी भी बड़ी हो जाए। सो नहीं, बहुत एक अच्छी चीज इस पे आप ना इस पे अपने डालना ताकि आगे है ना कि गरीबी थी तो एक कमरे में सब सो लेते थे, गरीबी थी तो एक कमरे में सब सो लेते थे, अमीरी है सबको अपना कमरा चाहिए। क्या बात है सर, ये तो लिखवाने जैसी है बात है ना। सो अभी सब चीजें सेटल हो चुकी है, मतलब सभी लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से जैसे जैसे उनको जहां जहां गाड़ी लगानी थी, कुछ लोग यहां पर मतलब चेक इन करने वाले क्योंकि 4-5 दिन से चले हुए हैं तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करने वाले, और कुछ लोग ओवरलैंडिंग मोड पर रुकने वाले हैं। सो हम भी, हमारे पास तो खैर ये मतलब थोड़ी सी बेहतर व्यवस्थाएं हैं गाड़ी में ही, सो हम लोग एनीवेज ओवरलैंडिंग मोड पर रुकने वाले हैं। सो अभी यहां से गाड़ी को शिफ्ट करते हैं, पास में एक जगह लगाते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लेंगे। ये जो जगह है ये डॉक्टर अनुपम है जो हमारे एक साथी हैं ओवरलैंडर, उन्हीं का स्थान है, तो ये आज का मीटिंग पॉइंट है। सब लोगों से आप मिले ही, सब लोगों को आपने देखा ही, तो यहीं पर ही आज रात को रुकेंगे। बस गाड़ी एक व्यवस्थित स्थान पर लगाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं और फिर आज रात को हम अपनी कैंपर वैन में ही रुकने वाले हैं। तो चलिए यहां से निकालते हैं गाड़ी और बाकी शेष व्यवस्थाओं को पूर्ण करते हैं। अभी बस अपना वायर निकालते हैं और इस वायर को एक्सटर्नल पावर जो है वो उससे जोड़ते हैं। इससे दो काम होंगे, एक तो हमारी गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, दूसरा हमारी जो बैटरीज हैं वो अगर थोड़ी बहुत डिस्चार्ज हुई हैं तो उससे चार्ज भी हो जाएंगी। तो अभी जो मेन स्विच था वो ऑन कर दिया, पर अभी एक काम बचता है, वो है हमारी MCB को चेंज ओवर देना। तो चलिए चलते हैं और MCB को चेंज ओवर देते हैं। तो अभी हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं खोल पा रहे, यहाँ पर लगी हुई है हमारी MCB और इसको हमने नीचे कर दिया है। तो अब हमारी गाड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्सटर्नल पावर से चल रही हैं। सो देखिए रात के बज चुके हैं 10:15 और हमने आज बनाया है एकदम गर्मा गर्म दलिया। सो ये बन रहा है और ये देखिए हमारा जो फैन है वो भी बहुत प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी इस पर थोड़ी सी भाप आ गई इसलिए आपको अभी ठीक हुई, देखिए बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट काम कर रहा है और ये यहाँ से इसका एग्जिट जा रहा है। सो होपफुली एवरीथिंग इज़ वर्किंग वेल, सब जने सोने की तैयारी है। अभी सामान थोड़ा सा बिखर चुका है पर एनीवेज इसको करते हैं व्यवस्थित और आज का दिन करते हैं पूर्ण। तो चलिए मित्रों, आज के दिन का अंतिम काम बस मैं निपटा रहा हूँ जो कि है एडिटिंग, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको हर दिन समय पे व्लॉग देखने को मिल सके। सो अभी बजे हैं रात के 10:30 और मुझे लगता है 1.5 घंटे में लगभग एडिटिंग जो है वो आज की निपट जानी चाहिए और उसके बाद करेंगे रात्रि विश्राम। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त आज के इस व्लॉग के लिए, कल से जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, जल्द अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। नमस्कार। तो किसी ने कौवे से पूछा, बोले तूने शादी क्यों नहीं करी, बोले वैसे जीवन में इतनी कहाँ कहाँ है। तो ऐसी किटी ग्रुप, बोले जहाँ किटकिट शुरू हो जाए, बोले किटी ग्रुप।